बट देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, देयर इज अ लॉट ऑफ अनरेस्ट, और सोशल मीडिया पे जो ट्रेंडिंग हो रही है, मैं आपसे सबसे गुजारिश ये करूंगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कि अफगानिस्तान टीम के ऊपर इस तरह वोलेंटली इल्जाम लगा देना और फिक्सिंग इज नॉट राइट. वहाँ शरिया अदालतें हैं, वो कैन जो उनको समन भी कर सकती हैं, वो बड़े मुसीबत में भी आ सकती हैं. प्लीज़ ये ट्रेंड मत चलाइए. ये ना कहिए कि अफगानिस्तान टीम अभी टीम बनी है, कमज़ोर टीम है, देर अप अगेंस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट टीम ऑफ द वर्ल्ड दैट यू नो T20 व्हेन इट कम्स टू T20 वो हिंदुस्तान था. बेटा उन्होंने करके दिखाया, उन्होंने पकड़ के घंटा बजा दिया आज, अफगानिस्तान का पकड़ के उन्होंने बजा दिया आज. शिवम दुबे ने जिस तरह की बैटिंग की है, शिवम दुबे ने जिस तरह का डिलीवर किया आगे, मतलब मजा आ गया उसकी बैटिंग देख के, बिल्कुल मजा आया उसकी बैटिंग देख के आज. और जिस तरह इंडिया ने अफगानिस्तान को हराया, देखो ये टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतने की गर्ज से जा रही है. उन्होंने वो सारे मलिया मेड साइड पे करके यंगस्टर ले आए हैं. वो उन्होंने कहा कि फिर दिखाओ जरा भंगड़ा, अब नाच के दिखाओ, नाच बसंती नाच कर दिया, नाच बसंती नाच. और उन्होंने पाकिस्तानियों का भी बदला लिया है, पाकिस्तानी टीम का, और हम अप्रिशिएट भी करते हैं इंडिया, इंडिया की जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है. मैं कहता हूँ अफगानिस्तान को मामी दादी चाची फूफी भाभी सब कुछ याद करवा दी, एक याद नहीं कराई, सारी याद करवा दी. तो मेरे ख्याल से जिस तरह की परफॉर्मेंस रही आज इंडिया की, न्यू कमर्स को उन्होंने चांस दिया, जिसने आते साथ उन्होंने गंदे कपड़ों की तरह उनको धोया अफगानिस्तान का, मैं कहता हूँ मजा आ गया इनकी आज बॉलिंग देखने का, बैटिंग. जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत. जैसे ही भारत ने अफगानिस्तान को पहले T20 मैच में हरा दिया, तब से ही पाकिस्तान मीडिया में अजीबोगरीब न्यूज चल रहे हैं, जो कि भारत और अफगानिस्तान के मैच पर सवाल उठा रहे हैं. जहां पर पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इस मैच में अफगानिस्तान उस कैलेबर से नहीं खेला जिस कैलेबर से वो बाकी टीमों के साथ खेलता है, वहीं पर इन्होंने अफगानिस्तान टीम के सिलेक्शन के ऊपर भी सवालिया निशान उठा दिया. जहां पर राशिद खान इस सीरीज से बाहर हो गए, पर फिर भी अफगानिस्तान के दूसरे लेफ्ट आर्म चाइनामैन नूर अहमद को अफगानिस्तान टीम ने अपने टीम में जगह नहीं दी. इसके ऊपर सवालिया निशान उठाते हुए पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अगर राशिद खान नहीं खेल रहे तो नूर अहमद की जगह उस टीम में बनती थी, पर फिर भी क्यों अफगानिस्तान के टीम मैनेजमेंट ने नूर अहमद को नहीं खिलाया. इन सब बातों से ये लग रहा है कि पाकिस्तान मीडिया सरासर आरोप लगा रहे हैं कि भारत और अफगानिस्तान के मैच में फिक्सिंग हुई, और इस पाकिस्तान मीडिया को उनके ही फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने करारा जवाब दिया. जहां पर शोएब अख्तर का कहना है कि पाकिस्तान मीडिया को ऐसा झूठा नैरेटिव नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान में एक शरिया सरकार है, अगर कुछ भी गलत होता है तो ये अफगानिस्तान टीम के लिए भारी पड़ेगा, और इसलिए ऐसे नैरेटिव पाकिस्तान द्वारा नहीं चलाना चाहिए. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते भी बहुत ही खराब दौर से गुजर रहे हैं, और दोनों भी देश सेंसिटिव है, अगर ऐसा कुछ होता है तो दोनों देशों के बीच में एस्केलेशन देखने को मिल सकती है, और इसलिए पाकिस्तान टीम या पाकिस्तान की मीडिया को इस सबसे बचना चाहिए. ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे. धन्यवाद. अफगान मुकाबला हिंदुस्तान, और दो तीन चीज़ें हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा लगा होगा कि अफगानिस्तान को अच्छी बैटिंग करनी चाहिए थी, यहाँ पे उनको बेहतर बॉलिंग करनी चाहिए थी. बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनरेस्ट, और सोशल मीडिया पे जो ट्रेंडिंग हो रही है, मैं आपसे सबसे गुजारिश ये करूँगा, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कि अफगानिस्तान टीम के ऊपर इस तरह वोलेंटली इल्ज़ाम लगा देना और फिक्सिंग इज़ नॉट राइट. वहाँ शरिया अदालतें हैं, वो कैन जो उनको समन भी कर सकती हैं, वो बड़े मुसीबत में भी आ सकती हैं. प्लीज़ ये ट्रेंड मत चलाइए. ये ना कहिए कि अफगानिस्तान टीम अभी टीम बनी है, कमज़ोर टीम है, देर अप अगेंस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट टीम ऑफ द वर्ल्ड दैट यू नो T20 व्हेन इट कम्स टू T20 वो हिंदुस्तान था. तो ये प्लीज़ ट्रेंड से परहेज कीजिए. आई अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट, मुझे ये ज़रूर गुस्सा है, ये मुझे ज़रूर शिकायत है, गिला है अफगानिस्तान से कि जितना अच्छा वो खेल सकते थे उतना अच्छा खेला नहीं. जितना हमें उन्होंने मुसीबत डाली है पाकिस्तान के खिलाफ, उतनी उनको आधी मुसीबत डालनी चाहिए थी हिंदुस्तान के खिलाफ. बट अगेन हिंदुस्तान इज वन ऑफ द फॉर्मिडेबल साइड, जो आपके
आपको मार सकती है, आपको तंग कर सकती है। नीचे जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, फिर भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उस तरह हैंडल नहीं था कर पाना उन्होंने। लेकिन क्या हुआ बेटा, उन्होंने करके दिखाया, उन्होंने पकड़ के घंटा बजा दिया आज, अफगानिस्तान का पकड़ के उन्होंने बजा दिया आज। शिवम दुबे ने जिस तरह की बैटिंग की है, शिवम दुबे ने जिस तरह का डिलीवर किया आगे, मतलब मजा आ गया उसकी बैटिंग देख के, बिल्कुल मजा आया उसकी बैटिंग देख के आज। और जिस तरह इंडिया ने अफगानिस्तान को हराया, देखो ये टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतने की गर्ज से जा रही है। उन्होंने वो सारे मलिया मेड साइड पे करके यंगस्टर ले आए हैं, वो उन्होंने नहीं देखा ये कितना बड़ा परफॉर्मर था, उन्होंने नहीं ये देखा ये क्या है ये क्या था, उन्होंने वही किया जो उनको करना चाहिए था। और उनके माइंड में देखो, रोहित शर्मा के माइंड में भी ये चीज चल रही है कि यार 50 ओवरों का वर्ल्ड कप नहीं जीता यार, वो वर्ल्ड कप चला गया तो ये वर्ल्ड कप तो मैं जीत सकता, इस वर्ल्ड कप में मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूं ना, ये वर्ल्ड कप तो मैं टीम को जितवा सकता हूं ना। रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनके माइंड में है, ऑब्वियसली बात है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, या वो ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप है, ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप है, इसके बाद आपको वो T20 वर्ल्ड कप में तो कम से कम नजर नहीं ना आएंगे। बट अगेन इस इशू को इतना रेज मत करें, आपको पता है अफगानिस्तान के हालात क्या हैं, दे कैन बी इन अ लॉट ऑफ ट्रबल, दे कैन बी इन अ लॉट ऑफ डेंजर, प्लीज ऐसी बात मत करें, दे ट्राइड देयर बेस्ट, आई एम श्योर अफगानिस्तान अगले दो मैच जीत के कंटेंडर बन, और आगे दो मैचेस हैं, देखें हिंदुस्तान क्या करता है। बट यू नो, बड़ा क्रूशियल हो गया, इट्स नॉट फनी, देखिए जरूर ऐड बनाइए, जरूर मजाक कीजिए, ठीक है बात, बट यू आर हिटिंग अ नेशन विच इज अ वेरी प्राउड नेशन विच इज पाकिस्तान, इट डज नॉट, इट्स नॉट फनी एनी मोर, बिकॉज के अब इट्स हर्टिंग अ नेशन दैट यू नो इज वेरी, विच इज वेरी प्राउड, दोज आर वेरी प्राउड पीपल। सो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि मौका के ओपनिंग पार्टनरशिप कॉशियस थी, लेकिन कुछ स्टेबिलिटी दी, फिर ऊपर नीचे दो तीन विकेट गिरी, जैसे कि गुरबाज को स्टंप करवाया अक्षर ने, और फिर भाई साहब इब्राहिम जादरान भी आसान से कैच दे के चलते बने, और अहमद शाह, तो ऊपर नीचे दो तीन विकेट गिरी, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छी पार्टनरशिप आई है नबी के और वो जो बच्चा है जिसको वन डाउन भेजा इन्होंने, उमर जई, बहुत अच्छी पार्टनरशिप 50 रन की आई है, नबी एक्सपीरियंस बैट्समैन, लेकिन बहुत ही लाजवाब, इंडिया ने बदला लिया वर्ल्ड कप वाला, ये जो अफगानिस्तानियों को भंगड़ा था ना वो आज इंडिया वालों ने सही वाला निकाल दिया भाई, उन्होंने कहा कि दिखाओ जरा भंगड़ा, अब नाच के दिखाओ, नाच बसंती नाच कर दिया, नाच बसंती नाच, और उन्होंने पाकिस्तानियों का भी बदला लिया है पाकिस्तानी टीम का, और हम अप्रिशिएट भी करते हैं इंडिया, इंडिया की जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है, मैं कहता हूँ अफगानिस्तान को मामी दादी चाची फूफी भाभी सब कुछ याद करवा दी, एक याद नहीं कराई सारी याद करवा दी, तो मेरे ख्याल से जिस तरह की परफॉर्मेंस रही आज इंडिया की न्यू कमर्स को चांस दिया, जिसने आते साथ इन्होंने गंदे कपड़ों की तरह इनको धोया अफगानिस्तान का, मैं कहता हूँ मजा आ गया इनकी आज बॉलिंग देखने का, बैटिंग देखने। टीम ने ये परफॉर्म करके बता दिया कि बाप बाप होता है, और आज जो हमेशा से जो है ना अफगानिस्तान बड़ा डहाड़ता था, चीखता था यार ये है परफॉर्मेंस, ये है डांस भी करते थे, डांस भी करते थे, उन्हीं के ग्राउंड में खड़े होकर बड़े डांस करते थे, उन्हीं के साथ मिलकर करते थे, आज उन्होंने उनका डांस फिर उनका डांस बना दिया। इंडियन टीम जो है वो क्रिकेट के बादशाह सफर किया जाता है, ये अफगानिस्तान तो उनका बच्चा है, उनसे उन्हीं से सीखने वाला, उनसे कैसे जीतेगा, ये इंडिया और अफगानिस्तान का मैच हमेशा ही वन साइडेड होता है, और ये अफगानिस्तान जीतने के ख्वाब देख रहा है ना, ये ख्वाब खा भी रह जाने।